कफ को जिंदगी भर शांत रखना है, शमित रखना है, सम अवस्था में रखना है। तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई है, वैसे तो सैकड़ों हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा। बता रहा हूं, वो कहते हैं नंबर एक की चीज है कफ को शांत रखने के लिए, वो है गुड़। और ऑब्लिक करके उन्होंने एक चीज बताई है, शहद। तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं, जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं। अब आप में से जो जैन सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं उनके लिए है गुड़, और जो जैन सिद्धांतों का पालन नहीं करते वो शहद भी ले सकते हैं। गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा, आधुनिक विज्ञान की जानकारी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूं। कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक तत्व की बहुत कमी आ जाती है, वो है फॉस्फोरस। केमिकल है एक फॉस्फोरस। जब भी कफ बिगड़ेगा तो आप समझ लो आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है। और फॉस्फोरस का एक छोटा भाई भी है आर्सेनिक। आर्सेनिक वैसे तो शरीर में ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि जहर है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे तो फॉस्फोरस को ताकत देता है ये आर्सेनिक। फॉस्फोरस का कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक। ये केमिस्ट्री की बात है। अब आप समझ लीजिए कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया, इसका माने फास्फोरस कम हो गया। तो बागवत जी ने कितनी कितनी इंटेलिजेंसी से चुना गुड़ खाओ। हमने गुड़ को जब टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो उसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस ही है, गुड़ में सबसे ज्यादा फास्फोरस है। हालांकि उसमें थोड़ा मात्रा में आर्सेनिक भी है, लेकिन फास्फोरस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है। और गुड़ जो बना है ना, किससे बना है, गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्ने के रस में फास्फोरस है, लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा गुड़ में है। गन्ने के रस में भी फास्फोरस है लेकिन उससे ज्यादा गुड़ में है। तो क्या किया हमने, गन्ने के रस को गर्म किया। तो गर्म करने की जो प्रक्रिया है इसमें फास्फोरस घटा नहीं, बढ़ा। यह पता नहीं क्या अद्भुत विज्ञान है। तो बागवत जी ने यह नहीं कहा कि गन्ने का रस पियो, उन्होंने कहा गुड़ खाओ। गन्ने के रस को भी वो कह सकते थे क्योंकि फास्फोरस उसमें है, लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा बेहतरीन स्थिति का फास्फोरस गुड़ में है, जो सबसे जल्दी हजम होता है। ये गुड़ ऐसी अद्भुत चीज है जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है। एक दिन के बच्चे को, आज बच्चा पैदा हुआ, आप शाम को उसे गुड़ दे सकते हैं, आज ही दे सकते हैं। हाँ, तो आप जो है एक ऐसी स्थिति में है जहां आपके पास कई चीजें उपलब्ध हैं, उनमें से बागवती जी चुनकर दे रहे हैं कि देखो ये है। अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज बनती है जिसको मराठी में कहते हैं काकवी, तरल गुड़ कहिए उसको, तरल गुड़। राव कहते हैं कई लोग उसको, राव, राजस्थान में राव कहते हैं। वो ये कहते हैं कि गुड़ और राव में आपके पास अगर चॉइस है तो राव खाइए, वो गुड़ से भी ज्यादा अच्छी है। तो राव हमने बनवाई और उसको टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो गुड़ से बेहतरीन स्थिति का फास्फोरस राव में है। तो आपकी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लीजिए, हिस्सा। कफ की जिंदगी में तकलीफ कभी भी नहीं आए जो आप राव और गुड़ खाएं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए।